अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के आउटलाइन को हम स्टडी कर रहे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान काजेज एंड इफेक्ट्स। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और असरात क्या थे? द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द सब क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 वाज अ पिवोटल मोमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री। सो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और 1971 में बांग्लादेश के क्याम ने जनूबी एशिया की तारीख में एक अहम मोड़ साबित किया। हम इसके वजूहात डिस्कस करेंगे और इसके असरात देखेंगे। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के मुआशी नाइंसाफी थी कि किस तरह मगरबी पाकिस्तान की जानब से मशरकी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेसाल ने अलहदगी में किरदार अदा किया। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में किन हवालों से कम तरक्की याफ्ता था? So, causes of the separation of East Pakistan, economic disparities, resource allocation. East Pakistan contributed significantly to the national economy, particularly through the export of jute. However, the resource was predominantly controlled by West Pakistan, leading to economic exploitation and neglect. तो मशरकी पाकिस्तान के जो अलहदगी के असबाब थे वो मुआशी फाक था, वसायल की तकसीम थी। मशरकी पाकिस्तान कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करता था, खासतौर पर पटसन की बरामदाद के जरिए वसायल का कंट्रोल ज्यादा तर मगरबी पाकिस्तान के पास था, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेसाल और गफलत का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद अंडर डिवेलपमेंट भी इसकी एक बड़ी वजह थी, यानी पसमानदगी। हर मशरकी पाकिस्तान को बुनियादी स्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की सहूलियात में पसमानदगी का सामना था। मरकजी हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी की कमी ने मशरकी पाकिस्तान के अवाम में नाराजगी पैदा कर दी थी। उसके बाद है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉमिसेस। सो सियासी बेदखली हुई, नुमाइंदगी की कमी थी, यानी नुमाइंदगान नहीं थे। सियासी ताकत मगरबी पाकिस्तान में ज़्यादातर मरकूज थी, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान में एक अजनबियत का एहसास बढ़ा और उन्हें मरकजी हुकूमत में बहुत कम नुमाइंदगी दी गई थी। देन फेलियर ऑफ पॉलिटिकल प्रोमिसेस, सियासी तौर पर जो वादे किए गए थे उनकी नाकामी भी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की एक बड़ी वजह थी। 1970 के इंतखाबात के बाद अवामी लीग ने शेख मुजीबुर रहमान की क्यादत में अक्सरियत हासिल कर ली थी और मगरबी पाकिस्तान की क्यादत ने अवामी लीग को इक्तदार मुंतकिल करने से इनकार कर दिया था, जिससे सियासी कशीदगी में मजीद अजाफा हो गया। सो ये सियासी महरूमियाँ थी, मशरकी पाकिस्तान के अवाम की अहम सियासी शिकायत थी और 1970 के इंतखाबात के बाद अवामी लीग को इक्तदार मुंतकिल ना करने से मशरकी और मगरब पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी भी बढ़ी थी। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस आया, यानी कि उर्दू को जो कौमी जबान करार देने के इकदाम ने मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी कैसे पैदा की। देन वी विल स्टडी सकाफती शनाख्त ने मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी पसंद जज्बात को कैसे बढ़ाया। सो जो लैंग्वेज इशू है, द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू इज नेशनल लैंग्वेज बाय द वेस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इग्नोर द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तानीज। सो हु स्पोक बंगाली? दिस कल्चर इम्पोजिशंस लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, पर्टिकुलरली द लैंग्वेज मूवमेंट इन 1952। तो इसमें जो सकाफती इख्तलाफात बढ़े, यानी जो जबान का मसला था, मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से उर्दू को कौमी जबान के तौर पर मुसल्लत करने का फैसला मशरकी पाकिस्तान की लसानी शनाख्त को नज़रअंदाज करता था। तो जो बंगाली बोलते थे उस सकाफती जबर के खिलाफ 1952 में लसानी तहरीक समेत बड़ी सतह के ऊपर एहतजाज हुए थे। उसके बाद है कल्चरल आइडेंटिटी, सकाफती शनाख्त। मशरकी पाकिस्तान ने आइनी अपनी एक मुनफरद सकाफती शनाख्त को प्रमोट किया जो मगरबी पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान से मुतलब थी, और इस शनाख्त का एतराफ़ ना करना और उसे इज्जत ना देना अलहदगी पसंद जज्बात को मजीद बढ़ाता रहा। सो देन वी विल डिस्कस 1969 में मशरकी पाकिस्तान में बगावत के अहम वाक़यात क्या थे। ऑपरेशन सर्च लाइट ने मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक को किस तरह से मुतासर किया। सो दिस द डिसकंटेंट इन ईस्ट पाकिस्तान ग्रियो, कल्मिनेटिंग इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ प्रेसिडेंट अयूब खान। तो जो इसमें इसके अंदर जो भी वजूहत थी सकाफती इख्तलाफात के अलावा अवामी बदअमनी और जबर था, 1969 की बगावत हुई, मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी में इजाफा हुआ और सदर अयूब खान की अमराना हुकूमत के खिलाफ बड़ी सतह के ऊपर मुजाहरे हुए थे और यह सूरत हाल सदर जायजा खान के दौर में मजीद बिगड़ गई।
देन ऑपरेशन सर्च लाइट, मार्च 1971 में पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में बढ़ती हुई आज़ादी के तहरीक को कुचलने की कोशिश की और एक वैश्याना कार्रवाई शुरू की, जिससे बड़ी सतह के ऊपर मजालिम हुए और बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ। तो इससे बड़ा इंसानी बहरान पैदा हुआ। मशरकी पाकिस्तान में जंग ने आम शहरियों को बहुत मुतासर किया। मुजालिम की रिपोर्ट्स बनाई गई थी, आलमी सतह के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान महाजरीन के बहरान के ये तमाम वजूहत थी जो मगरबी पाकिस्तान की तरफ से उनको दी गई थी। सो इफेक्ट्स ऑफ द सेपरेशन, क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और सियासी इस्तेकाम पर क्या असर डाला। एक और क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि पाकिस्तान के लिए अलहदगी की तवील मुद्दती सियासी नतायज क्या थे। सो क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का क्याम था, आज़ादी की जदोजहद के नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का क्याम अमल में आया, जिसका सबब मुक्ति बहानी की फतह थी। बांग्लादेश ने एक आज़ाद कौम की हसीयत से जो है अपने मुनफरद शनाख्त, सकाफत और सियासी निज़ाम के साथ जन्म लिया जो इसके माजी से मुतलब था जब वो मशरकी पाकिस्तान में थे। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया, यानी कि इंसानी बहरान पैदा हुआ, और इसमें जो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान महाजरीन के हम अगर असबाब देखें, रिफ्यूज क्राइसिस था, देन कैजुअलिटीज एंड एट्रोसिटीज। तो जंग के नतीजे में हिंदुस्तान में पनाह गजीनों का एक बड़ा बहरान पैदा हुआ। तकरीबन 10 मिलियन जो अफराद थे वो उन्होंने तशद्दुद से बचने के लिए हिंदुस्तान चले गए, जिससे हिंदुस्तानी वसायल पर शदीद दबाव पड़ा। उसके बाद हलाकतें और मुजालिम हुए। इस तनाजे में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ, जहां शहरियों की हलाकतों का अंदाज़ा चंद लाख से लेकर कई मिलियन तक था। तो जंग के दौरान होने वाले मुजालिम की जो खबरें थीं वो खित्ते में गहरे जख्म छोड़ गए। सो इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और सियासी इस्तेकाम पर क्या असर डाला। पाकिस्तान के लिए अलहदगी के तवील मदती सियासी नतज क्या थे। लॉस ऑफ टेरिटरी, पोलिटिकल रेमिफिकेशन, सो द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पाकिस्तान जियो पोलिटिकल साइज पॉपुलेशन, लीडिंग टू रीवेल्यूशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड पॉलिसीज। सो इस जो पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात रहे, इलाके का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ने पाकिस्तान की जुग्राफी हदूद और आबादी को वाजे तौर पर कम कर दिया, जिसके नतीजे में कौमी शनाख्त और पॉलिसियों पर दोबारा गौर किया गया। उसके बाद है पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, द लॉस क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन वेस्ट पाकिस्तान एंड कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीडिंग टू मिलिट्री इंटरवेंशन एंड फर्दर चैलेंजेस इन गवर्नेंस। तो इस नुकसान ने मगरबी पाकिस्तान में इक्तदार का एक खिलाफ पैदा कर दिया और सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा किया, जिसकी वजह से फौजी मदाखलतें और हुक्मरानी के चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। सो रिलेशंस विद इंडिया, स्ट्रेंड रिलेशंस एंड जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि बांग्लादेश के क्याम ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तलुकात को कैसे तब्दील किया। बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक में हिंदुस्तान का क्या किरदार था और इससे जनूबी एशिया की जोग्राफियाई सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सबसिक्वेंट क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लीडिंग टू ऑनगोइंग टेंशंस एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू नेशंस, द सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स इन साउथ एशिया विद इंडिया प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट विद हैड लास्टिंग इम्प्लिकेशंस फॉर रीजनल पॉलिटिक्स। ताल्लुकात में कशीदगी आई इस कन्फ्लिक्ट ने, बांग्लादेश के क्याम ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को कशीदा कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान मसलसल कशीदगी और दुश्मनी पैदा हुई। फिर इलाकाई सियासत थी, यानी इस सिचुएशन ने जनूबी एशिया में जुग्राफियाई सियासत को तब्दील कर दिया, जहां हिंदुस्तान ने आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया, जिसके दूर असरात इलाकाई सियासत पर मुरतब हुए। सो द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश were driven by combination of the economic disparities, political marginalization, cultural differences and civil unrest. Is alaidgi ke asraat bahut gehre the. Mashriqi Pakistan ki alaidgi aur Bangladesh ka qiyam muashi farq, siyasi bedakhli, saqafati ikhtilafat
और अवामी बदअमनी के इस मजमू का नतीजा थे। तो मरकजी हकूमत की जानिब से बेरहमाना जबर ने मिला आखिर इंसानी बहरान को जन्म दिया और एक नई कौम का एक जहूर हुआ। सो इफेक्ट्स ऑफ दिस सेपरेशन वर परफॉर्म रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस फॉर पाकिस्तान एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ द बांग्लादेश। इस अलहदगी के बहुत गहरे असरात थे जिससे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान, बांग्लादेश के लोगों के लिए एक इनकलाबी तजर्बा साबित हुआ। द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मार्क अ पिवोटल मूवमेंट इन साउथ एशियन हिस्ट्री इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स, नेशनल आइडेंटिटीज एंड रीजनल रिलेशंस फॉर डिकेड्स टू कम। जनूब एशिया की तारीख का एक अहम लम्हा था जिसने सियासी हरकियात को, कौमी शनाख्तों को, अलाकाई तलुकात के ऊपर दहाइयों तक असरात मरतब किए। सो अंडरस्टैंडिंग द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दिस सेपरेशन इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग द कंटेम्पररी पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इस अलहदगी की वजूहत और असरात को समझना पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुआसर सियासी मंजरनामे को समझने के लिए निहायत ज़रूरी है। सो हमने डिस्कस किया मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब में असबाब क्या थे, किस तरह मगरबी पाकिस्तान की जानिब से मशरकी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेसाल ने अलहदगी में किरदार अदा किया। हमने डिस्कस किया सियासी महरूमियों को, पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान के अवाम की अहम सियासी शिकायत क्या थी। 1970 के इंतखाबात के बाद अवामी लीग को इक्तदार मुंतकिल ना करने से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी क्यों बढ़ी। फिर हमने स्टडी किया सकाफती इख्तलाफात को, उर्दू को कौमी जबान करार देने के इकदाम ने मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी कैसे पैदा की, फिर सकाफती शनाख्त ने मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी पसंद जज्बात को कैसे परवान चढ़ाया। शहरी बेचैनी हुई पैदा हुई जबर हुआ 1969 में, मशरकी पाकिस्तान में बगावत के अहम वाकियात क्या थे। हमने डिस्कस किया ऑपरेशन सर्च लाइट को, ऑपरेशन सर्च लाइट ने मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी के तहरीक को किस तरह मुतासर किया। फिर हमने देखा अलहदगी के असरात क्या थे, बांग्लादेश का क्याम अमल में आया, बांग्लादेश के क्याम के फौरी नतायज उस अवाम के लिए क्या थे, बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल करने के बाद अपनी कौमी शनाख्त को किस तरह से बढ़ाया, इंसानी बहरान पैदा हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान मुहाजरीन के बहरान के असबाब क्या थे। फिर मशरकी पाकिस्तान में जंग ने आम शहरियों को कैसे मुतासर किया था, मुजालिम की रिपोर्ट्स किस तरह से बनाई गई थी बैन अक्वामी सतह तक पर और नेशनल स्टेट के ऊपर भी। सो पाकिस्तान पर क्या असरात हुए मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के, इसने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और सियासी इस्तेकाम पर क्या असर डाला, पाकिस्तान के लिए अलहदगी के तवील मुद्दती सियासी नतायज क्या थे। देन हमने डिस्कस किया कि हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान के तालुकात थे वो किस तरह से रहे बांग्लादेश के क्याम के बाद, बांग्लादेश के क्याम ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तालुकात को कैसे तब्दील किया, बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक में हिंदुस्तान का क्या किरदार था और उससे जनूबी एशिया की जुग्राफियाई सियासत पर क्या असरात मरतब हुए। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।